वर्ड है फनी। फनी के मतलब क्या होते हैं? मजाया या थोड़ा चिल जॉली टाइप का बंदा, ठीक है। अब इसके साइनोनिम में सबसे मशहूर तो है चौटल। चौटल सबसे ज्यादा आया है पेपर में, ठीक है। वर्ड दिया था उन्होंने चौटल और पूछा था कि इसके साइनोनिम्स बताएं। तो चौटल के साइनोनिम में ड्रॉल भी है, फैकेशियस भी है, फ्लिबेंट भी है, जिब भी है, जोकुलर भी है, लेविटी भी है, लुट्रिकुलस भी है, रेलरी भी है, रायपोस भी है और सिंपर भी है। वो ध्यान से देखो, मेन वर्ड जो है ना इसमें वो है फनी। कौन कौन से साइनोनिम है? चौटले ड्रॉल दो है, फैकेशियस फ्लेबोंड चार, जिब और जोगुलर छः, लेविटी लोट्रेकियस आठ, रेलायरी रायपोस दस और सिंपर 11। तो मैं एक तरफ फनी लिखूंगा और उसकी बैक साइड में 11 के 11 साइनोनिम्स लिखूंगा, लेकिन फनी के नीचे थोड़ा सा ना एक छोटा सा 11s भी लिख लूंगा ताकि मुझे जहन में रहे कि कितने साइनोनिम है 11। अब मैं बगैर देखे हो 11 के 11 याद करने की कोशिश करूंगा, याद आ जाए तो सही है, नहीं तो दोबारा पलटेंगे। लेकिन एक काम और करें, अगर कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है ना जॉर्टन, इसे फ्लैश कार्ड में ना फनी के नीचे भी लिख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में कौन सा वर्ड इनमें से पूछा जाता है? जॉर्टन पूछा जाता है। देखो जॉर्टन के साइनोनिम जरूरी नहीं वहां फनी दिए जाए, हो सकता है लेविटी दिए जाए, हो सकता है जोकुलर, हो सकता है केप, हो सकता है फ्लिबार्ट दिया जाए, तो कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो इसलिए हमें इसके 11 के 11 साइनोनिम्स याद होने चाहिए। देखिए ये दो वर्ड ग्रुप सबसे ज्यादा है मैं पेपर में, लेजी और लक, खासतौर पे लेजी वाला। क्या क्या होता है साइनोनिम्स? लेजी सलकिश, ठीक है, इंडोलेंट, ठीक है, दौलत है भी लेकिन वो खर्च नहीं कर रहे, कंजूसी, वो सुस्ती की वजह से, इनर्ट, लैगडेसिकल, लैंक्विड। देखो लसी टूट को ऐसे याद रख सकते हो, लेथार्जिक, लसी पी करके लेट गया और कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, लसी पी और लेट गया तो जहर भी क्या हो गया, लेजी। फ्लकमेटिक, क्वेश्चन, स्लोथफुल और टॉरपेट। टॉरपेट को तारपेटो से याद रखो, कभी भी कोई काम बोलो ना तो ऐसे लोगों को क्या लगता है? तारपेटो लगता है एकदम। और अब जो है इसके बाद लग के देखो, एडवेंटेजियस, जिसे हर जगह फायदा हो रहा हो, एमुलेट, समझो हमेशा उसे आमलेट खाने को मिलता है, ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्पिशियस, फोर्टिशियस। और देखो किस्मत है यहाँ पे, और उर्दू में भी किस्मत होता है तो लकी में नहीं होंगे तो आसानी याद रखने के लिए। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कंडीशन, यानी जब तकदीर आपके साथ ऑप्टिमम फायदा पहुंचा रही है। पर्टेंटस, प्रोपेट, प्रोपिशियस, प्रोविटेंशियल और तालिस्मान। तालिस्मान उस शख्स को कहते हैं जब पूरा जहाज डूब जाए फिर भी वो जिंदा बच जाए, उसको हम क्या कहते हैं? तालिस्मान कहते हैं। अब देखिए जेनेरस और काइंड, मशहूर मिसाल है हातमताई, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हातमताई बड़ा जेनेरस था और काइंड था। आप डबल हेडिंग भी बना सकते हो इसकी, जेनेरस और काइंड हेडिंग बना दो, या काइंड बना दो या जेनेरस बना दो, उर्दू में भी लिख दो। मीनिंग इसकी क्या है? सखावत। अल्ट्रिस्टिक, बेनिफिशियंट, सबको बेनिफिट देने वाला। क्लीमेंट, लार्जेस, मैग्निमोनस, मुनिफिकेंट, फिलैंथ्रोपिक और अस्ट्रिंटिक, ये सारे के सारे ना साइनोनिम्स हैं। किसके साइनोनिम हैं? जेनेरस और काइंड के, ठीक है, जेनेरस और काइंड के। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है जेनरस और काइंड। अब देखो यहां ना एक साथ दो चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। दूसरा वर्ड ग्रुप है ग्रीडी, ये भी जी से स्टार्ट होता है, इसके मतलब होता है लालची, अवेरेशियस, इतना आवारा कि दूसरों के पैसे खेलने। गोवेटस, मर्कनरी, मिसनरी, बैनरी, रेपिशियस, वैनल। तो सर ध्यान से देखो ये पॉजिटिव वर्ड है सारे, नेगेटिव, और तकरीबन वही बात हो गई। जेनरस काइंड किसको कहते हैं? जो अपनी रकम दूसरों में, और ग्रीडी कंजूस, अपने ऊपर भी खर्चा नहीं कर रहा। तो आप कह सकते हो कि एक दूसरे के एंटोनिम्स भी हो गए, जेनेरस काइंड का एंटोनिम ग्रीडी भी हो गया, एवेरिशियस, कोवेशियस, मर्कनरी, मिजल्ली,
पेनोशियस रेपिशियस वेनल, ठीक है कह सकते हैं ना, और साइमोनिमस में अल्ट्रोस्ट्रेक बेनिफिशियल क्लीमेंट लार्जेस्ट मैग्निमोनियस मिनिफिशियन फिलेंथ्रोपिक और अनस्टिंटिक, ये सारे इसके क्या हो गए साइनोनिम, किसके साइनोनिम हो गए जेनेरस या काइंड के। तो इस तरह से हम ये पूरे का पूरा वर्ड ग्रुप इसका याद